दहेज लोभियों ने एक बार फिर विवाहिता की जान ले ली है। पति ने माता पिता की मदद से गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी और सबको फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सिमरिया ताराचंद की है। बरेली के थाना केवलडिया के रहने वाले रामचंद्र की 22 वर्षीय पुत्री रेखा की शादी अब से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव सिमरिया ताराचंद के रहने वाले सुनील कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराली विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। आए दिन दहेज की मांग और मारपीट होने लगी, जिसकी कई बार रेखा ने अपने पिता से शिकायत भी की, लेकिन पति सुनील कुमार नहीं माना। बीती 22 अप्रैल की रात सुनील रेखा के साथ फिर मारपीट करने लगा। मारपीट इतनी बढ़ गई कि उसने अपनी मां बुद्धो देवी व पिता बागेश्वर दयाल के साथ मिलकर रेखा की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फांसी के फंदे से लटका दिया। सूचना पर सीओ बिसलपुर अनुराग दर्शन बरखेड़ा थाना अध्यक्ष मनोज त्यागी व पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां विवाहिता की गला दबाकर हत्या की घटना सामने आई। रेखा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति सुनील, ससुर बागेश्वर दयाल व सास बुद्ध देवी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आप लड़के के कौन है? भाई कहाँ रहते हैं? बिहारी पे। क्या मामला था यहाँ? ये मामला था, यहाँ आए थे तो कुछ बोला ही नहीं, लोगों ने कुछ रेट और बात ही नहीं बता रहे थे। अब बता रहे थे कि मार दी इसमें, फांसी में लटका के लटकी हुई थी। जब हम यहाँ लोग आए थे तो वो इसमें नीचे भी पड़ी हुई थी, बता रहे थे कि उसमें लटकी हुई थी। मामला हुआ है यहाँ पे सिमरिया ताराचंद में, तो क्या मामला है पूरा? देर रात्रि सिमरिया ताराचंद में राजेश्वरी देवी उम्र 22 वर्ष, जिनकी शादी लगभग 1.25 साल पहले हुई थी, उनका मायका कोयलडिया थाने में था, उनके दहेज हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पे मौके पे आए हम लोग और बरखेड़ा में, थाना बरखेड़ा में इनका दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रगति पर है। शादी करी हमने। अच्छा। उसके बाद में राम कुमार में नाम, बालक नाम सुनील है और सारा दहेज दिया करी जमीन बहस। शादी को लगभग कितना टाइम हो गया करे हुए? पिछले 19 नवम्बर भाई। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहारी का अब्दुल रहमान। तो अच्छा, आपकी यहाँ लड़की की शादी हुई थी? हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? गरीबा इन्हें कही 50,000 रुपया मैं उठ दूँ, 2,000 रुपया देना पड़े हमें, लड़की दे देंगे हौली हौली तुम्हें। अच्छा। चक्कर में मर गए। अच्छा। उसे धक्का हो कहा थी पहला। तो कल रात आपको सूचना मिल गई थी? हाँ, रात सूचना मिली हम करीब 9 बजे। 9 बजे अब हम लोग आए। क्या बताया घर वालों ने इनके? घर वाले क्या कह रहे हैं कि फांसी अपने आप खा लेगी। अच्छा। मगर अपने आप फांसी, दरोगा जी आए जो बोले कोई बात नहीं तो फांसी कैसे खा ली, ये बताओ मुझे, फांसी तो लगाई है उसकी।